everyone, welcome back to my channel, that is Yoshita channel. And ek minute. और ये है मेरा आज का आउटफिट और अभी जाके जो कि मैं चेंज करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है संगीत में मैं ये पहनने वाली हूँ और आज है 24th of February जो कि है संगीत वाला दिन. तो आज है शेकी का संगीत और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम सब यहाँ से पुराने वाले घर से जो 4-5-6 लोग यहाँ रुकते हैं, हम लोग यहाँ शादी वाले घर पे इसलिए रुकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कैओस मचा हुआ है, इतनी सारी भीड़ है तो थोड़ा सा सोने में भी प्रॉब्लम आती है, हल्ला होता है और हम लोग थोड़ा रात भर जगते हैं, दिन रात भर प्रैक्टिस करते हैं. सो सोना थोड़ा शांति चाहिए सोने के लिए तो हम लोग इस घर पे आ जाते हैं जिन लोगों को शांति चाहिए. और फिर हम लोग सुबह रेडी होके यहाँ से नाश्ता करके वहाँ जाते हैं उस घर पे, वहाँ पे हमारा लंच रहता है. लंच के बाद हम जाएंगे, अभी लंच करेंगे, लंच करने के बाद हम लोगों को पार्लर जाना है, जिसको जिसको जहाँ भी जाना हो सजने धजने वो सब हम लोग अभी करने वाले हैं. उसके बाद हो जाएगी शाम को 7 बजे से संगीत की शुरुआत. सो फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए हम लोग इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे और थोड़ी नोकझोंक भी होती रहती थी हम भाई बहनों के बीच में, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आता था. सो खुशियाँ तो बहुत सारी है लेकिन दुख भी इस बात का है कि शेकी बहुत जल्दी हम लोगों को छोड़ के जाने वाली है. तो ये बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील होता है पर कुछ कर नहीं सकते, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड या सो आई एम सो वेरी मच एक्साइटेड क्या शाम को हम लोग क्या करने वाले हैं. हम लोगों की खास करके जो हमारी कोरियोग्राफर है बोश की, उसकी मेहनत, उसने दिन रात बहुत मेहनत करी, उसकी आवाज़ फट चुकी है. मैं आपको उससे मिलवाऊँगी थोड़ा देर में, तो उसकी आवाज़ पूरी जा चुकी है तो उसकी मेहनत क्या रंग लेके आती है वो आज हम शाम को देखेंगे. और मैं कोशिश करूँगी कि आज जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं शूट कर पाऊँ जो भी हमारा संगीत होने वाला है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी शूट करने की. और अभी मैं कर रही हूँ वेट, यशु आ जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से, यशु भी ड्रॉप करने गया है किसी को तो वो आ जाए तो हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे. और मुझे लग रही है बहुत जम के भूख, चलो मेरे साथ. तो हम निकल रहे हैं, लेट हो गया है वैसे भी आने में. तो जी अजी दी मैं आदमी और सॉरी पुच्चू जा रहे हैं. कहाँ हो? तुम सामान लेके आ रहे हो? चलो पूछो पूछो. अद्वे आ रहा है पीछे, जय जय अद्वे आ रहा है पीछे. पापा के पीछे पीछे भाग गया. देखा तो देखो पापा. चलो कोशिश में नींद आ रही है. आ भैया 24-19 कुछ दिख नहीं रहा है. संगीत पे सबको डांट पड़ रही है पापा के द्वारा, डॉन के द्वारा, और सब काम में लग गए हैं जैसे डांट पड़ना चालू हुई है. बहुत ही गंदा स्टेज सजाया है, हर चीज बिगाड़ दिया. मतलब आप स्टेज की तरफ देखिए क्या है, क्या है ये, मतलब आते साथ ही इंसान यहाँ पे गिर जाएगा. ये और स्टेज है यहाँ पर डांस होने, लड़की को बैठने दिखा दो कहाँ बैठेगी लड़की. लड़की बैठेगी बिल्कुल सीधा जबकि उसका स्टेज होना. लड़की यहाँ पर लड़की बैठती है देखेगी क्या देखेगी, जबकि स्टेज बना है इसके जस्ट यहाँ से लोग चढ़ेंगे उतरेंगे और यहीं पर ऐसा कर दिया है. बोलना कुछ बोलना चाहेंगे? आ चुका है ये जो मुड़ मुड़ा रहा है ये मालिक है यहाँ का, ये मतलब ये पूरा डेकोरेशन का मालिक है जिसने पूरा डेकोरेशन बिगाड़ के रख दिया है. अभी देखते हैं इनसे क्या बात करते हैं. अंकल हम सब चाह रहे हैं कि आप डांट पड़े, गालियाँ पड़े, मार भी पड़े. कि यहाँ के मैनेजर से बात कर रहे हैं और हम लोग इस वक्त हैं सतना के येलो चिली रेस्टोरेंट में. तो बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है आप देख सकते हैं. मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ. और अगर आप मौसम की बात करें तो मौसम बहुत खुशनुमा है, बिल्कुल शाम सी प्यारी सी है, बड़ा प्यारा सा वेदर है, हल्की सी ठंड ठंड हवा है. सो या तैयारी चल रही है. जीजा जी हैं जो, ये तनु हैं, मासी हैं, सजल और यशु, तो ये लोग स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे हैं.
तो संगीत को बिल्कुल कैजुअल ना लें, बहुत भारी संगीत होने वाला है। अब देखते हैं क्या क्या गुल खिला सकते हैं हम लोग। नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सबकी प्यारी सबसे न्यारी शैली की शादी में संगीत समारोह करने के लिए। ऑलमोस्ट सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, हम ही लोग लास्ट हैं एज यूजुअल। और आज मैंने मेरा मेकअप अच्छा नहीं किया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई मेकअप, हेयर स्टाइल भी जस्ट ओके। बाकी आप ही बताइएगा कि कैसा था, है मेरा मेकअप क्या हो गया। एक मिनट बैठ रहे हैं, हम आपके हैं कौन का या तो साक्षी बोल, गेट नहीं बंद है जो हम लोग किए थे शहरी के, बंद है शहरी क्या होगी, लड़ाई होगी क्या। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन में और मेरे पापा बाहर ही खड़े हुए हैं।